सरकार के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद राजस्थान में फंसे श्रमिकों को लेकर आज स्पेशल ट्रेन पहली बार सीहोर पहुंची है। सरकार के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद से राजस्थान में फंसे श्रमिकों को लेकर आज स्पेशल ट्रेन पहली बार सीहोर पहुंची। यहां सभी मजदूरों को उतारा गया। आसपास के जिलों के ये सभी मजदूर थे जो राजस्थान में लॉकडाउन के बाद से फंसे हुए थे। इनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाया गया। यहां करीब 90 मजदूरों को उतारा गया और 3 बसों से उनकी मूल स्थान पर रवाना किया गया। स्टेशन पर ही सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी अनुराग ने बताया कि राजस्थान से सभी को लाए गए 87 लोग शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं। सभी की स्क्रीनिंग की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को बसों से उनके मूल स्थान पर रवाना किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शुभम पवार। थोड़ा तेज बोल। शुभम पवार। कहाँ जाएंगे? सर मुझे देवास जाना है। तो लॉकडाउन के बाद क्या फंस गए थे? सर वहाँ पे हम कैटरिंग का काम करते थे, वहाँ पर हमारा काम बंद होने के कारण हम कहाँ से आए? जयपुर से आए। तो लॉकडाउन के बाद फंस गए थे क्या? लॉकडाउन की वजह से पूरे बुरे फंसे हुए थे वहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से वहाँ के सरकार ने और यहाँ के दोनों की मदद से यहाँ पर आने का मौका दिया उन लोगों ने। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया था उसकी वजह से, और तहसीलदार ने मिलकर के हमें पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने रजिस्ट्रेशन छोड़ा, वहाँ से पूरी खाने पीने की व्यवस्था कराई, फिर यहाँ पर छोड़ा अभी, और आगे मुझे रतलाम डिस्ट्रिक्ट में जाना है। बाकी का यहाँ पर जो है जाँच वगैरह हो रही है, बाकी का आगे देखते हैं क्या होगा। तो किस तरह के हालात बुरे हो गए? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हब है, एजुकेशन का हब है वहाँ पर, और इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी काम नहीं कर पाता है और घर में खाने के लिए परेशानी हो रही थी। कई सारी प्रॉब्लम ऐसी भी थी कि सूचना देने के बावजूद भी काम ना मिल पाया, और खाने का भी बहुत सारा दिक्कतें भी आई है वहाँ पर, खाने का वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है। मार्केट में जा नहीं सकते थे, रूम में किराएदार के लिए भी परेशानी होती थी, किराया भी रेंट भी देना पड़ता था। इन सब वजह से बुरी कंडीशन तो बहुत है सर वहाँ पर, इसलिए घर जाना चाह रहे थे आप? इसलिए घर जाना पड़ रहा। अभी ट्रेन से आए तो किराया तो नहीं लगा आपका? टिकट तो नहीं? टिकट का किराया नहीं लगा है, और खाने के लिए उन्होंने पैकेट वगैरह दिया था। ट्रेन से पहुंची, किस कितने मजदूर हैं और कहाँ कहाँ से और कहाँ रवाना किया जा रहा है इस तरह से? हाँ, टोटल 87 मजदूर आए हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के। इनको हम बसों में बैठा के सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म अपना के इनको इनके गंतव्य स्थल तक रवाना कर रहे हैं। कहाँ से लेकर आया है सर? इन सभी श्रमिकों को हम जयपुर से लेकर आए हैं। सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, उनको नाश्ता भी प्रोवाइड किया जा रहा है।